बोला क्या उसको? हाँ मैंने गाइज नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पिंकेश व्लॉग्स पे। और अभी आपने देखा कि हम लोग ने थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करी। हम शॉपिंग करने गए थे, पहले मेरा बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए हमने पहले जाके शॉपिंग करी। उसका हम कुछ फुटेज में नहीं निकल पाई क्योंकि जहाँ भी गई थी वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, तो मैं शूट ही नहीं कर पाई। जल्दी जल्दी में ऐसा हुआ ये लेना पसंद आ गया तो मैंने वहाँ शूट नहीं करा। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में, अभी जस्ट आई हूँ, थोड़ा फ्रेशन अप होकर फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या कपड़े लिए। और दूसरा चीज़ कि मैंने आज अपने बाल कटवा लिए। मेरे बाल ना इतने तक थे, बहुत लंबे थे, तो मैंने प्रोफेशन के हिसाब से मैंने सोचा कि अब तो मैंने बाल कटाना है बस। और थोड़ा सा मेरे प्रोफेशन के, फोटोग्राफी के हिसाब से मुझे अपना लुक चेंज करना है, तो मैंने अपने बाल कटवा लिए। हालाँकि मैंने इतने छोटे नहीं सोचे थे, मैंने सोचा था कि मैं इतने तक रखूँगी, पर थोड़े ज़्यादा छोटे हो गए। लेकिन जो भी है मुझे अच्छे लग रहे हैं मेरे ऊपर। और तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आज मैंने अपनी पहली बार आईब्रो करवाए। इससे पहले कभी नहीं करवाए थे, फेयरवेल वगैरह कुछ भी था नहीं करवाए थे, तो आज मैंने पहली बार आईब्रो भी करवाए। हालांकि हाँ थोड़ा दर्द भी हुआ, मुझे डर लग रहा था करवाओ कि नहीं करवाओ, थोड़ा दर्द तो हुआ लेकिन हो गया। तो अभी मेरा लुक ये ऐसा आया है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, मेरे पे क्या सूट हो रहा है, हेयर स्टाइल और आईब्रो वगैरह भी मैंने बनवाया है। सो बस यही दिखाना था कि आज मैंने फाइनली मेरा हेयर कट करवा लिया है। बर्थडे के लिए तो मुझे करवाना ही था, बट मैंने ऐसे भी सोचा था कि मैं हेयर कट करवाऊँगी, और बर्थडे के लिए भी हो गया, इसके लिए भी हो गया, नॉर्मली भी हो गया, तो मज़ा आ गया। मम्मी मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, एकदम फंकी लग रहा है। सूट हो रहा है मेरे पे? अच्छा कर रहा है ना। और आईब्रो भी अच्छा, अच्छा लग रहा है ना। मतलब मम्मी ने पता ऊपर से पकड़ा था, मेरे से मुझे तो पता ही नहीं था कि पकड़ते हैं ऊपर से, नीचे से पकड़ते, मुझे आ ही नहीं रहा था। मम्मी ने ऊपर से पकड़ा था, मैंने नीचे से पकड़ा था और फिर जाके करवाया। सो हे गाइस, मैंने अभी तक अपने कपड़े नहीं दिखाए, आई एम सॉरी, एक्चुअली कुछ काम आ गया था उसकी वजह से मैं आपको अपने कपड़े नहीं दिखा पाई थी। तो मैं आपको कल या परसों तक आपको मैं अपने कपड़े दिखा दूंगी। और अभी फ़िलहाल आज के दिन के लिए, कल का व्लॉग, मतलब ये व्लॉग कल कंटिन्यू रहेगा। कल मैं कहीं शूट पे जाने वाली हूँ, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैं कहाँ पे शूट पे जाने वाली हूँ। तो कल कंटिन्यू मिलते हैं, और फिर जो भी कपड़े मैं आपको आके दिखाऊँगी वहाँ से, क्योंकि कल सुबह बहुत जल्दी जाना है मुझे। मुझे 5 बजे की ट्रेन लेनी है, सो मुझे बहुत ही जल्दी जाना है। तो अब आपको कल मिलती हूँ, बाय, गुड नाइट।
the next day. फोर कहाँ पे? अभी हम अपना क्या ढूंढ रहे हैं, स्क्रीन ढूंढ रहे हैं ना, कौन सा है? अरे रे हमको क्यों सेकंड बोला? हाँ तो अभी हम जा रहे हैं अपने फ्लोर पे मूवी के लिए. आज हमारी मूवी डेट है क्योंकि फाइनली इतने दिन बाद हमारी मूवी डेट प्लान हो गई और इतनी मशक्कतों के बाद, बहुत कुछ होने के बाद फाइनली हम मूवी देखने जा रहे हैं. और कौन सी देखने जा रहे हैं वो आपको उधर चल के ही हम बताएंगे. सरप्राइज सरप्राइज. अपना नंबर दूर अपना So, अभी हम थिएटर में आ गए और अब मूवी स्टार्ट होने वाली है, तो आपको बाद में मिलते हैं. नहीं दिख रही है. इंटरमिशन हुआ है और हम बाहर निकले हैं और पता नहीं क्या हुआ है, अंदर कुछ हुआ था. उधर भी दिया है तो अब चुप हो जाओ प्लीज. मूवी कैसी थी? इमोशनल और बहुत अच्छी. फिर वहाँ से घर जाते वक्त मुझे मिल गई मोहू, तो हम लोगों ने बहुत सारी चटर पटर की, बहुत सारी बातें की, बस बहुत सारी बातें की और फिर वहाँ से मैं चली गई घर. सब म्यूट मार दूंगी मुझे सर, पैसे भी कुछ रखने लायक नहीं होता. और यहाँ पे रात को पता नहीं क्या मौसम क्या बदलता रहता है मुंबई का. इतनी ज़ोरों से बिजली कड़क रही थी और बारिशें हो रही थी. अभी ये बिजली कड़कने वाला सीन है और उसके बाद बहुत बारिश हुई थी. हे गाइस, तो मैंने अभी देखा कि मैंने एंडिंग शूट ही नहीं करी है, तो मैं एडिट कर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी एंडिंग शूट कर दूँ. सो अभी जो मैंने उस ब्लॉग में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने उस ब्लॉग में बोला था कि मैं आपको कपड़े दिखाऊंगी और मैंने कपड़े नहीं दिखाए क्योंकि मुझे उस बीच में टाइम नहीं मिला कि मैं आपको कपड़े दिखा सकूँ. तो अभी जो कपड़े मैं दिखाऊंगी मैं अब दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बर्थडे ब्लॉग में दिखा दूंगी या फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. तो अभी के लिए हम चलते हैं और आपको मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए ब्लॉग में. तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल.